नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इंफोडॉक्स पे। दोस्तों, हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि है ईमेल मार्केटिंग। जी हां, इस ईमेल मार्केटिंग की सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल मार्केटिंग करने का क्या फायदा होता है, और इसी के साथ मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सबसे बढ़िया टूल आज की डेट में मुझे लग रहा है। ऑल्दो मैंने 10 से 12 ईमेल मार्केटिंग के टूल अभी तक यूज किए हैं, बट ये ईमेल मार्केटिंग का टूल बहुत ही अच्छा है न्यूबीज के लिए भी, जो लोग नया शुरू कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जो कि ऑलरेडी ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं। और ये टूल अच्छा क्यों है, क्योंकि ये टूल बहुत इजी है यूज करना, और दूसरी चीज इसका प्राइस पॉइंट। जी हाँ, मैं आप लोगों से एक ऐसा लिंक शेयर करूंगा जिससे आप इस टूल को लाइफ टाइम के लिए परचेज कर सकते हैं। जितने भी ईमेल मार्केटिंग टूल हैं वो आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलते हैं, आपको मंथली या एनुअल पेमेंट करनी पड़ती है, बट इस टूल की कॉस्ट लाइफ टाइम एडिशन की बहुत कम है। अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, इसकी कॉस्ट लाइफ टाइम एडिशन की है सिर्फ उतनी जितनी कि आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन किसी भी दूसरे ईमेल मार्केटिंग टूल का लेंगे। जी हाँ, $49 है, और इसका लिंक मैं आप लोगों से नीचे शेयर कर दूंगा, और ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है, इसलिए मैं कहूंगा कि इस ऑफर का लाभ उठाइए और तुरंत इस ईमेल मार्केटिंग टूल को परचेज करिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी और ईमेल मार्केटिंग का टूल लेते हैं तो आप इनिशियली हो सकता है फ्री यूज कर लें, ज्यादातर फ्री नहीं है मेलचिम को छोड़ करके, बट आपको कभी ना कभी उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, और जब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी तो आप मिनिमम 49 से $50 पर मंथ की पेमेंट करेंगे। अगर आप एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग में सीरियसली इंटरेस्टेड हैं और अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना चाहते हैं यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग, या फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देना चाहते हैं, तो ये इस टूल का सबसे बेहतरीन लाइफ टाइम मौका है कि आप इसको उस कॉस्ट में लाइफ टाइम के लिए ले सकते हैं जितनी कॉस्ट आपको मंथली देनी पड़ती। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात ये आती है, आप टूल लें उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ईमेल मार्केटिंग करने का क्या फायदा है। गाइस, ईमेल मार्केटिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स या क्लाइंट से एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। इनफैक्ट आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी आपकी कोई एक नई रिलीज है, नई लॉन्च है, नई सर्विस है, उसके बारे में बताते रहते हैं, शेयरिंग सम गुड इन्फॉर्मेशन। आप कोई अगर आर्टिकल लिख रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, तो वो आप अपने सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाते हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप अपने एफिलिएट प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। अगर आप फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं तो अपनी फ्रीलैंसिंग सर्विसेज के बारे में लोगों को बताते हैं, या फिर आप अपने प्रमोशन कर सकते हैं शेयरिंग द रिव्यूज रेटिंग जो भी आप लोगों को मिल रही है। अगर आपको कोई अच्छा रिकॉग्निशन मिल रहा है तो वो आप ईमेल्स के जरिए अपने सब्सक्राइबर्स से शेयर कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस सब चीज के लिए मुझे ईमेल मार्केटिंग टूल खरीदने की क्या जरूरत है, मैं जीमेल से ही ईमेल मार्केटिंग कर सकता हूं। जी हां, जीमेल से आप 500 ईमेल पर डे की भेज सकते हैं जरूर, बट आप उसको भेज के देखिएगा। जब पीछे ऐसा हो जाता था कि जीमेल से आप 500 ईमेल पर डे की भेज पाते थे, बट आप अगर सेम ईमेल आईडी को जीमेल से बार बार ईमेल करेंगे तो वो उनको बाउंस करने लगेगा, क्योंकि जीमेल आपकी नॉर्मल रेगुलर ईमेल्स के लिए है, वो ईमेल मार्केटिंग के लिए नहीं है। मार्केटिंग के लिए डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट सर्वर्स यूज होते हैं जिनसे प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग होती है, और अगर आपकी मेल बाउंस हो रही है या स्पैम में जा रही है तो ऐसी ईमेल भेजने का क्या फायदा। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से ईमेल मार्केटिंग करनी है तो वो तरीका है सिर्फ ईमेल मार्केटिंग टूल्स, और ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। और अगर जिस टूल की मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ उस टूल की बात करें तो ये सिर्फ एक लाइफ टाइम कॉस्ट है, वो भी $49 की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ईमेल मार्केटिंग करने के और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो ईमेल मार्केटिंग पहला तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इट हेल्प्स यू कीप इन टच विद योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स एंड पोटेंशियल क्लाइंट्स। इसके अलावा ये आपको हेल्प करता है ईमेल कलेक्ट करने में। जी हाँ, ईमेल कलेक्ट करके आप और फर्दर अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं, अपना कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं, या फिर अपनी लीड्स बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल तरीका है मार्केटिंग करने का। अगर आप मार्केटिंग SMS से करते हैं या WhatsApp से करते हैं तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसके अंदर लिमिटेशन है, आप सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, बट ईमेल मार्केटिंग के अंदर आप कितना भी टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं, आप लिंक्स शेयर कर सकते हैं, आप अपने वीडियोस शेयर कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, इनफैक्ट आप अटैचमेंट भी भेज सकते हैं, और इतना कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आप किसी और जरिए से मार्केटिंग नहीं कर सकते। सबसे अच्छा इसका जो फीचर मुझे लगता है वो ये है कि ये साइलेंट मार्केटिंग है।
आप एसएमएस या व्हाट्सएप भेज के किसी को डिस्टर्ब करते हो, इरिटेट होता है, बट ईमेल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। मेल बॉक्स में जब भी कोई जाएगा वो आपका ईमेल चेक कर लेगा। जरूरी नहीं है कि रोज कोई जाके मेल बॉक्स में अपने ईमेल चेक करे, बट वो जब भी जाता है कोई भी, तो उसके सब्जेक्ट के जरिए वो जानता है कि कौन सी ईमेल्स हैं। अगर आप उसके नोन है, उसने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपकी ईमेल पड़ेगा। इनफैक्ट अगर सब्जेक्ट आपका कैची होगा तो डेफिनेटली वो ईमेल पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ईमेल मार्केटिंग टूल का जब यूज करते हैं तो आपके लिए मेजर करना बहुत आसान होता है कि कितने लोगों ने ईमेल ओपन करे, कितने लोगों ने उस पर दिए गए लिंक्स पे क्लिक करा। उससे आपको आइडिया मिलता है कि किस तरह का ईमेल आपका ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके सब्सक्राइबर्स को किस टॉपिक पे ईमेल्स पसंद आ रहे हैं, उसी टॉपिक पे आप अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड ईमेल्स आप भेज सकते हैं। आप किसी के पास भी रियल टाइम में ईमेल से रीच कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल जब भी आप भेजते हैं तो वो इमीडिएटली जाता है। एसएमएस की तरह फेलियर या डिले नहीं होता, क्योंकि नेटवर्क में कंजेशन रहता है, इसकी वजह से एसएमएस डिले हो जाते हैं। और व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए नहीं है, नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए है। तो अगर कोई लोग आपके मैसेज को रिपोर्ट स्पैम कर देते हैं तो डेफिनेट सी बात है आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। 1-2% कन्वर्जन भी होता है जब आप ईमेल मार्केटिंग टूल्स का यूज करते हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 58% लोग मॉर्निंग में सबसे पहला काम अपने ईमेल चेक करने का करते हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पे जाने से पहले वो अपने ईमेल चेक कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ईमेल मार्केटिंग का क्या फायदा है। इस सीरीज में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ सैंडबॉक्स टूल के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सारे तरीके जिससे आप सैंडबॉक्स टूल का यूज करते हुए ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, लैंडिंग पेज बना सकते हैं, और अपने एलिमेंटर का जो आपका वर्डप्रेस का प्लगइन है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, उसका भी एक तरीका निकला है जिसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अभी वेब पे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। और कमाल की बात, इस ईमेल मार्केटिंग की सीरीज में मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों तरह से वीडियोस ला रहा हूँ, तो जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं उन लोगों के लिए भी इसके अंदर ये सीरीज यूजफुल है। तो आप इस सीरीज को अपने फ्रेंड से शेयर करें। तो अगर आप इस सीरीज को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप आने वाले सीरीज के वीडियोस को मिस नहीं करेंगे। एंड मार्क माय वर्ड्स, ये टूल आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत इजी है और कॉस्ट इफेक्टिव, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।